जी नमस्ते जी, अस्सलाम वालेकुम, हैप्पी विंटर जी। वापस आ गई हूँ मैं एक रियल टॉक वीडियो के साथ। अगर आपको कोई इंटरेस्ट नहीं है मेरी बातों में और आपको ये वीडियो नहीं देखना है तो जी पूरा नहीं देख रहे हो तो जी नमस्ते जी, टाटा। ओके, तो मैं थोड़ा सा समझा देती हूँ कि वीडियो किस बारे में। तो भाई अभी एक ट्रेंड चल रहा है, प्यूरीपाई वर्सेस टी सीरीज, जो एक म्यूजिकल ब्रांड है टी सीरीज और एक है इंडिविजुअल वीडियो क्रिएटर यूट्यूब का। तो भाई प्यूरी पाई जी ने कुछ बोल दिया इंडिया वालों को और हम इंडियंस की लाइक खिसक गई ली भाई, पूरा भीड़ू चली गई। एक्चुअली इंडियंस आर स्ट्यूपिड। ऐसा नहीं है कि मैं इंडिया की नहीं हूं, सारे जहां सच्चा हिंदुस्तान हमारा भाई, हाँ नहीं तो, बट लिटरली इंडियन स्टूपिड है। अगर कोई हमें कुछ बोल देता है ना कि भाई इंडियंस आर पुअर, इंडियंस आर चीप, इंडियंस अच्छे नहीं है, इंडिया अच्छा नहीं है, हमारी ना खिसक जाती है और खिसकनी भी चाहिए, बट खिसकनी उनकी चाहिए जो सच में इंडिया के लिए कुछ कर रहे हैं, आप जैसे लोगों की नहीं खिसकनी चाहिए। मतलब प्यूडीपाई ने कुछ बोल दिया, उन्होंने कुछ बोल दिया तो भाई अनसब्सक्राइब कर देते हैं प्यूडीपाई जी को, भाई हम टी सीरीज के साथ है। क्यों क्यों? मैं दोनों के साथ नहीं हूं, ना टी सीरीज के साथ ना प्यूडीपाई के साथ, बट स्टिल थोड़ा दिमाग है आपके पास? वो जो बंदा बाहर का बोल रहा है, चलो ठीक है, अगर कोई बोलता है हमको इंडियंस आर पुअर, सच ही तो बोल रहे हैं वो, क्योंकि हमें टपरी की चाय नहीं स्टारबक्स की कॉफी पसंद है, हमें बाहर के डोसा और इडली नहीं पसंद, हमें ना पिज्जा हट मैकडॉनल्ड्स के ना भाई बर्गर और पिज्जा पसंद है, हमें डोमिनोज पसंद है, हमें नहीं पसंद मतलब भाई दूर। इंडियंस आर लाइक कितना गंदे हाथ से बना रहा होगा, नहीं भाई उसने कपड़े वपड़े चेंज किए कि नहीं भाई, खर्रा खा के पानी पूरी बना रहे हैं भाई वो, हमें तो भरोसा ही नहीं है ना इंडियंस पे। ना 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 ना, KFC जाएंगे, अच्छा बिल्कुल अच्छा चिकन देते हैं वो, फ्रेश वाला माल, तुम्हें क्या पता कौवे का दे रहे हो, किसी के खिलाफ नहीं हूँ, खाओ, बट दिमाग भी रखो। किसी ने बोल दिया कि भाई हम गरीब है, सच में गरीब है, किसी ने बोल दिया कि भाई हमारे पास दिमाग नहीं है, नहीं है दिमाग, हम इतने अच्छे हैं ना दिल के कि अगर कोई बाहर का कुछ बोल देता है ना तो हम थोड़ा सा बोल के ना चुप हो जाते हैं, बट हमें इतनी हिम्मत नहीं है कि उसके उसके सामने जाके खड़े होके उसको हम गिना पाए कि हमने क्या किया है, इंडिया ने क्या किया है। जो भी ऐसे बोलते हैं ना कि भाई हमको आके लूट के चले गए ब्रिटिश वाले, बाहर वाले सुनो, तुम जो ये वीडियो देख रहे हो ना अपने फोन में, जो स्वाइप अप करते हैं ना हम, जो ऑनलाइन ऑर्डर कर रहे हैं ना हम जिस फोन से, वो उनके कारण आया है, क्योंकि देश को प्रगति करने में ना टाइम ही लगेगा, अगर वो नहीं आते ना फोन नहीं आता, अगर वो नहीं आते ना तो ट्रेन भी नहीं आता, टाइम लगता उसे इंडिया में आने के लिए, समझ रहे हो? बाहर को गाली देने से अच्छा ना खुद को देखो कि खुद में क्या कमी है। रेप हो जाता है तो भाई हम कैंडल मार्च करेंगे, लेकिन ना सामने अगर कोई लड़का कोई किसी को छेड़ रहा हो ना तो हम सामने बात नहीं करेंगे, सामने झगड़ा होगा ना हम पुलिस को नहीं बुलाएंगे, ना 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 ना। अगर बाहर वाले ने किसी ने बोल दिया ना, बस एक जगह बैठ के ना बस वो टप 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 फोन में ही लिख सकते हैं, दूसरों को बस गालियां ही दे सकते हैं इंडिया वाले, हिम्मत नहीं है कुछ जाके करने की। और कुछ लोग अभी सोच रहे होंगे कि तू इतना भाषण दे रही है तो तूने क्या किया, मैं जो बोल रही हूं ना आपके दिमाग में थोड़ा सा सेंस लाने के लिए कि उन्होंने कुछ बोला है ना तो थोड़ा समझो, अगर उसको पॉजिटिवली लिया जाए ना तो इंडिया में बहुत बड़ा चेंज आ सकता है। जब तक $1 = 1 rupee नहीं होता है ना तब तक इंडिया गरीब ही है, समझे? और वो तभी होगा जब इंडियंस इंडियंस की हेल्प करेंगे, क्योंकि हाँ भाई एक ही छत के नीचे रहते हुए दो भाई झगड़ा कर रहे हैं तो बाहर की बिल्ली तो पंजा तो मारेगी ना। हमारे इंडिया में तो भाई सबसे बड़ा मुद्दा राम मंदिर बनाए हम या मस्जिद बनाए, स्कूल हॉस्पिटल तो जाए डाल दे यार उसको खड्डे में, की फर्क पैंदा है अपने को, है
हमें राम मंदिर चाहिए, हमें राम वाले पूरे जो भी है वो सब वो हमें चाहिए, और हमें भाई मकबरा वगैरह बना के दो, हमें भाई जो भी हो मुस्लिम्स के वो बना के दो। जब हिंदू मुस्लिम अपने ही देश में रह के झगड़ा कर रहे हैं कि भाई तूने मुसलमान लड़की से प्यार कैसे किया, तूने मुस्लिम लड़की से प्यार कैसे किया, तूने हिंदू लड़की से राखी कैसे बनवाया मुस्लिम होके, ना इधर हम बिरयानी जरूर ठूसेंगे लेकिन जैसे ही मुस्लिम को देखेंगे तू दूर जा, मैं तेरे घर नहीं आ सकता, सॉरी यू आर मुस्लिम। और मुस्लिम बोलेंगे सॉरी मैं तुम्हारा प्रसाद नहीं खा सकता, पेट में ना गड़बड़ हो जाती है। हाँ नहीं तो इतना बता देना चाहती हूँ, बाहर वालों से ना ऑफेंड होना छोड़ दो, पहले अपनी गलतियां देख लो। अभी भी कुछ जन सनकी होंगे जो इस वीडियो पे डिसलाइक करेंगे क्योंकि उन्हें अभी भी नहीं समझ रहा कि मैं बोलना क्या चाहती हूँ। प्यूडीपाई और टी सीरीज छोड़ दो, थोड़ा ना पढ़ाई पे ध्यान लगा लो। हाँ ये करो और ये सोचो कि प्यूडीपाई को बीट करने के लिए क्यों ना भुवन सर चले जाए, उनके वीडियोस को क्यों नहीं सपोर्ट कर रहे हो, आशीष चंचलानी सर को सपोर्ट करो ना, अजय नागर सर को सपोर्ट करो ना, निखिल जी को सपोर्ट करो, गुरु जी को सपोर्ट करो। और सबसे बढ़िया बात तो ये होगी कि अगर कोई लड़की प्यूडीपाई को बीट करती है वो भी इंडिया से, हाँ ये सोचो ना, इन सबको सपोर्ट करो ना, क्यों प्राजक्ता मैम को सपोर्ट नहीं कर रहे हो, जाओ उनको सपोर्ट करो, क्यों सेजल मैम को सपोर्ट नहीं कर रहे हो, जाओ उनको सपोर्ट करो। वीडियो पसंद नहीं आते क्या उनके, पसंद आते हैं ना, विदेशी को छोड़ो ना थोड़े दिन के लिए, थोड़ा सा देसी पे भी आ जाओ। ठीक है मानते हैं उनकी वीडियोस डिफरेंट है, प्यूडीपाई भी तो रोस्ट करते हैं, तो क्यों ना हम अजय नागर सर को सपोर्ट कर दें। हाँ और भी कितने अच्छे द रॉनी शो है, ट्रिगर्ड इंसान जी है, भाई उन्हें क्यों नहीं सपोर्ट करते हो, सपोर्ट करो इंडियंस को, तभी तो उस पायदान तक के ना इंडिया भी पहुंच सकता है, टी सीरीज को जाने की जरूरत नहीं है, इंडिविजुअल वीडियो क्रिएटर को आगे भेजो। और थोड़ा इंडिया के लिए करने के लिए सोचो, पबजी खेल के ना बिल्कुल टॉप में नहीं जाने वाले हो तुम लोग, बाट लगाओ लेकिन बोल के और लिख के नहीं, करके दिखाओ। जीरो का इन्वेस्टमेंट हमने किया था तो उनको जीरो दिखाना हमारे बस में है, जीरो दिखा सकते। तो बस इतना ही बताना था, रियल टॉक इतना ही है, सॉरी अगर मैं ज्यादा ओवर बोल गई, सो सॉरी। पसंद आया ना तो लाइक कर देना, पसंद नहीं आया ना डिसलाइक करना, और प्लीज इतना गट्स लेना कि भाई कमेंट बॉक्स में तुम बता दो कमेंट्स में कि भाई क्यों तुम्हें पसंद नहीं आया, क्या ऐसा गलत बोल दिया कि भाई तुम्हें पसंद नहीं आया ये वीडियो जी। ठीक है हाँ जी शुक्रिया जी, अस्सलाम वालेकुम। तो सारा कौन छू साबिया ना चा वास्ता वास्ता सिया, कैमरा मैन लूबू के साथ मैं उन्नति आपसे विदा लेती हूँ, फिर हाजिर होंगी, लव यू ऑल।